पिछले दिनों हमने ग्रुप डी में जिन परिवारों से किसी भी व्यक्ति को रोजगार, जिसको सरकारी रोजगार में नहीं था, उनके लिए और उनके साथ साथ ऑर्फन शब्द का उपयोग करके ग्रुप डी की भर्ती की थी, उसमें एक कहीं बाद में संज्ञान में बात आई, ऑर्फन का मतलब ये था, हमारा उसमें तात्पर्य ये था कि जिसके बच्चे के पिता नहीं है, और ऑर्फन में वो ये जोड़ गया कि जिसके माता पिता नहीं है, उसका व्यवहारिक शब्द बदल गया। आज उसमें हमने संशोधन किया है, अब इसमें यह किया गया है या तो वो विडो हो, कोई विडो लेडी है वो अप्लाई करती है, उसको 5 नंबर का हम देंगे, या जिस व्यक्ति की उम्र 42 साल से कम थी उसके बच्चों ने अप्लाई किया है। इस एप्लीकेंट के फादर की 42 साल की आयु से पहले डेथ होगी, उसको भी हम 5 नंबर का फायदा देंगे, और उसके साथ साथ बिना माँ बाप के भी ऑर्फन को भी जोड़ रहे हैं इसमें। तो इस प्रकार से आज इसमें संशोधन किया है, ताकि और उसमें एक संशोधन और किया है, जिसने एक बार लाभ ले लिया, मान लो मैं आज ग्रुप डी में किसी पोस्ट पे अप्लाई किया और मैं भर्ती हो गया, उसका मुझे लाभ मिल गया, परंतु कल को मैं क्लरिकल में या पुलिस में या किसी और डिपार्टमेंट में, वन टाइम उसको बेनिफिट मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। परंतु यदि किसी की सिलेक्शन होगी, उसने ज्वाइनिंग नहीं की, फिर वो उसको लाभ मिल सकता है। इसी प्रकार से इसी में संशोधन किया है पंजाब पुलिस रूल्स में 2019 में, वो सेम एज इट इज, या डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग डिपार्टमेंट का सभी काम में संशोधन किया है। इसी प्रकार से पंचायत अधिकारी के पद पर पदोन्नति में समरूपता लाने और ग्राम सचिव कर्तव्यों की प्रकृति ध्यान में रखते हुए, जो हम पंचायत सेक्रेटरी कुछ पोस्टों के लिए मैट्रिक से एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनकी बढ़ाकर सीधी ग्रेजुएशन की है, और उसको इसमें क्योंकि काम बड़ा है और जिम्मेवारी बड़ी है, तो पंचायत सचिव की भर्ती मैट्रिक से ग्रेजुएशन कर दी गई है। न्यूनतम ग्रेजुएशन सिंपल है, कोई अंकों की भी क्या है कि नहीं, परसेंटेज नहीं है, सिंपल ग्रेजुएट। इसी प्रकार से दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को 250 करोड़ रुपए की क्रैश क्रेडिट लिमिट की स्वीकृति के लिए आंध्रा बैंक को 250 करोड़ रुपए की हरियाणा सरकार ने गारंटी आज मुहैया कराई है, और उसके लिए आज कैबिनेट ने इसमें अनुशंसा अपनी दे दी। हाँ, 250 करोड़ के लोन की गारंटी। इसी प्रकार से हरियाणा राज्य शिक्षा स्कूल ग्रुप बी रूल्स के अंदर एक संशोधन किया है, कि इस संशोधन के तहत टीजीटी साइंस और टीजीटी मैथ के 2 वर्ष का यदि किसी को एक्सपीरियंस है, वो टीजीटी को पीजीटी फिजिक्स के पद पर भी प्रमोट किया जा सकता है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पर या स्कूल लेवल पे जो साइंस टीचर हैं वो मैथ ही पढ़ाते हैं, परंतु आज से पहले उनको प्रमोशन में कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था, तो यदि 2 साल का यदि उनका एक्सपीरियंस है, पीजीटी फिजिक्स पर प्रमोट हो सकता है।